बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, लेकिन ये नाम चर्चा का विषय तब बन गया जब बिलावल भुट्टो भारत के दौरे पर आए और ये खबर सनसनी की तरफ फैल गई कि आखिर 12 साल बाद ऐसा क्या मकसद होगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने भारत पहुंच चुके हैं। ये बैठक गोवा में आयोजित की गई है। वैसे तो 1947 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो का दौरा ऐसे वक्त पे हो रहा है जब रिश्ते सबसे बुरे दौर से चल रहे हैं। कई सालों से भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने एक दूसरे के देश की यात्रा भी नहीं की है। ऐसे में जानते हैं कि बिलावल भुट्टो का ये भारत का दौरा कितना अहम है, इस दौरे का मकसद क्या है, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भारत आना अपने आप में ही काफी अहम है। 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आया है। भुट्टो से पहले 2011 में हिना रब्बा निखार भारत के दौरे पर आई थी। उन्होंने उस समय तब के भारतीय विदेश मंत्री SS कृष्णा से मुलाकात की थी। बिलावल भुट्टो के पहले उनके खानदान के 3 व्यक्ति भारत आ चुके हैं। 1972 में बिलावल भुट्टो के नाना और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भारत आए थे। 1971 की जंग के बाद वो 1972 में शिमला समझौते पर दस्तखत करने के लिए भारत आए थे। साल 2002 में बिलावल की मां और पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो भारत आई थी। उस दौर में उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की थी। 2012 में बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी भारत आए थे। उनके साथ बिलावल भुट्टो भी थे। आसिफ अली जरदारी ने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस के विदेश मंत्री सेगई लावरोर और चीन के विदेश मंत्री क्वीन गाग भी शामिल होंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह आतंकवाद है। भारत साफ कर चुका है, आतंकवाद पर चर्चा किए बिना पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हो सकती। हाल ही में जयशंकर डोमिनिकन रिपब्लिक के दौरे पर थे। उस समय उन्होंने कहा था कि भारत ने पिछले एक दशक में पड़ोसी पहले की नीति अपनाई है, लेकिन पाकिस्तान इसका अपवाद है क्योंकि वो सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करता है। दरअसल पाकिस्तान इस बैठक को नजरअंदाज नहीं कर सकता था क्योंकि इस बैठक में चीन और रूस के विदेश मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में उसे रूस और चीन जैसे देशों की जरूरत है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि SCO के सदस्य देश नहीं चाहते हैं। SCO के सदस्य देश नहीं चाहते थे कि ये मंच भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी का शिकार बने, इसलिए बिलावल भुट्टो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है ये बैठक? पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का इस बैठक में शामिल होना एक तरह से मजबूरी हो रही है। वो इसलिए क्योंकि इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद ही बुरी स्थिति से गुजर रही है। ऐसे में भुट्टो चाहेंगे कि बैठक के जरिए सदस्य देशों से ट्रेंड बढ़ाया जा सके ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इसके अलावा इस बैठक में रूस और चीन के विदेश मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान इन दोनों देशों को नाराज करना नहीं चाहेगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद से जो हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं वो जग जाहिर है। ऐसे में बिलावल का भारत दौरा उनके अपने देश के लिए काफी उम्मीदों भरा हो सकता है, जहां वो अपने देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए भारत समेत दूसरे अमीर देशों से आर्थिक मदद की गुहार लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।